हे गाइस, वेलकम बैक टू लाजवाब फ्लेवर्स। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है। आज हम बनाएंगे मेयोनीज मैकरोनी। इस रेसिपी को मैंने बहुत पहले अपने पुराने चैनल पर शेयर किया था और आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल पर भी इसे बनाया जाए। उस रेसिपी में जितने भी आपके डाउट्स थे आपने कमेंट्स में मुझसे पूछा था, तो वो सब मैंने इसमें क्लियर करे हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे आने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए। तो चलिए बिना देर करे रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी गरम कर लिया है। इसमें एक चम्मच भर के नमक डाल देंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे एक कप मैकरोनी। अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बीच बीच में एक दो बार चेक कर लेना। 12 से 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएगी और ये देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गई है। स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लेंगे और इसके बाद इस मैकरोनी को मैं ठंडे पानी में ट्रांसफर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने चिल्ड वाटर लिया है, इसके अंदर मैकरोनी को डाल देंगे। वैसे मैं जब भी पास्ता या मैकरोनी बॉईल करती हूँ तो उसे ठंडे पानी में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी खाना हो निकालिए और इसे फटाफट कुक करके एंजॉय करिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 4 से 5 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां, ये ऑप्शनल है। हमें लहसुन को ज्यादा कुक नहीं करना है। जैसे ये हल्का सा कुक हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे अनियन। प्याज को भी हमें हल्का सा कुक करना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न और थोड़े से मटर। स्वीट कॉर्न और मटर को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से। ये वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड नहीं करना चाहते, प्लेन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या इसकी जगह कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। सीजन कर देंगे सॉल्ट से, अराउंड 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। पिछली रेसिपी में मैंने काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया था तो आपने बोला था कि इसमें रेड चिली पाउडर क्यों नहीं डाला है, तो इसलिए इस बार मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आप ब्लैक पेपर पाउडर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से स्टर कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप वाटर। देखिए अब आएगा मेन स्टेप जिसमें हमें मेयोनीज को ऐड करना है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारी मेयोनीज फट जाती है, कर्डल हो जाती है। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हो सकता है आपने पानी को अच्छे से गर्म ना किया हो या फिर आपने एकदम चिल्ड मेयोनीज यूज कर ली हो। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी आई है तो एक सिंपल सा स्टेप है कि आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम लो किया है, पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेयोनीज कहीं फट ना जाए तो आप इसे स्विच ऑफ कर दीजिए गैस को। और अब हम इसके अंदर मेयोनीज डालेंगे। पहले यहाँ पर मैं 1/3 कप मेयोनीज डाल रही हूँ। देखिए एकदम चम्मच भर के मैंने मेयोनीज डाली है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में ये मिक्स नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे ये बॉईल होता जाएगा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए मेयोनीज हल्का सा मिक्स हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा और मेयोनीज डाल देंगे। टोटल यहाँ पर मैंने 1/2 कप मेयोनीज डाला था। और अब गैस का फ्लेम अगर आपने ऑफ किया था तो उसे ऑन कर लीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे। और ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, मेयोनीज भी अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ओरिगैनो, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से स्टर कर लेंगे और अब डाल देंगे मैकरोनी। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड 2 कप मैकरोनीज डाला है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा मैकरोनी ऐड नहीं किया है क्योंकि सॉस के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत हो उतना ही मैकरोनी को हम ऐड करेंगे ताकि वो क्रीमी लगे। अगर आप इसे और ज़्यादा क्रीमी रखना चाहते हैं तो आप मैकरोनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मैकरोनीज मेयोनीज पास्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखने में लग रहा है ना कितना ज़्यादा क्रीमी है। सीरियसली मेरे घर में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें चीज़ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी बना है ये। इसी तरह की मैं वीक में 3 रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आगे आने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसमें कौन सी वेजिटेबल्स डालने वाले हैं। कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप आगे और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर उन्हें ट्राई करूंगी। तो चलिए, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इतनी टेस्टी रेसिपीज बना सके, राइट? हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।